पीडीपी के लीडर और नायब सरपंच फतेहपुर जहांगीर मीर ने पीडीपी को खैर आबाद कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। आज इस सिलसिला में साबिक एमएलए एजाज अहमद जान की रिहायशगाह पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जहां पर उनका पार्टी में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान मजीद क्या था खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुबारक है जी, बड़ी बड़ी कान्ना कपियो जी, गल नहीं कपड़े आओ जी, भेजो सारे अपने सारे आइए। ने कहा जनाब आजाद जान साहब की तरफ से और पूरी पार्टी क्यादत की तरफ से अपने इलाके की एक नामूर हस्ती जनाब नायब सरपंच जहांगीर मीर साहब को पार्टी में वेलकम करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, आप जब यहां पर आ गए हैं तो अपने आप को आप तनहा महसूस मत करें, पूरी टीम पूरी क्रीम और हमारे कायद जो है आजाद साहब ये हर वक्त आपके साथ हैं और आपके शाना बिशाना चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आजमा कर इन्होंने पीडीपी को खैरबाद करते हुए कहते हुए इन्होंने एनसी ज्वाइन की है। मैं इनको अपनी तरफ से और एजाज साहब की तरफ से और तमाम पार्टी के जितने भी हमारे वर्करान यहाँ पे हैं उन सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जहांगीर सिंह मीर पंचायत फतेहपुर से हूँ, नायब सरपंच हूँ और मैं पहले पीडीपी में था। तो 3 साल में जब पीडीपी ने हमारा कोई काम नहीं किया और ना ही वो जमात रही तो इसलिए हमें पीडीपी को छोड़कर एनसी में आना पड़ा। तो इंशाल्लाह हमें अब उम्मीद है कि हमारे आने वाले एमएलए जहाँ सब हैं तो अगर हमारे साथ इन्होंने अच्छा सलूक, यही करना है, हमने क्या लेना है, सिर्फ हमारा कोई भी काम हो कोई वर्कर आए तो उसके साथ अच्छा सलूक करना है। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम जमात को छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि हम जिस जमात में जाते हैं इंशाल्लाह कुछ दिन निकाल के आते हैं, ऐसे छोड़ते हैं जब उनकी गलती नहीं। एजाज जान साहब की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब जहांगीर मीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और पार्टी में आने के लिए वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इनका बड़ा असर रसूख है कलानी कैनो और फतेहपुर में, हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत थी तो अल्लाह ने ऐसे आदमी को हमारी जमात में शामिल किया। आज मैं अपनी तरफ से जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जहांगीर मीर साहब हाजी जहांगीर मीर साहब को अपनी जमात में वेलकम करता हूं। हाजी साहब का इस जमात में आना, हमारे साथ आना, ये एक फख्र की बात है। अपने इलाके में अपनी पंचायत में और पूरी मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इनका एक बड़ा असर रसूख है, बहुत बड़ी बरादरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। और आज के इस दौर में जब पीडीपी ने और बीजेपी ने जो इस रियासत का हाल किया है, आज इस मोड़ पर रियासत पहुँची है, हाजी साहब का पीडीपी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना, मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी कामयाबी है।